तो अभी ना मैं घूमते घूमते सड़क से ना ठीक वहाँ मायने विलास की तरफ जा रहा था। दुकान में मुझे कुछ सामान लेना था, तो दोस्तों मुझे यहाँ नीचे रास्ते में ना कुछ पैसे मिले गिरे हुए, जिन्हें मैंने उठा लिया है। जिस किसी के भी होंगे तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताना, मैं उनके पैसे उन्हें वापस लौटा दूँगा। तो अभी मैं छूटे हुए थे, मतलब गिरे हुए थे दोस्तों, यहाँ पर गिरे हुए थे। तो मैं यहाँ से जा रहा था ठीक उधर की साइड, यानी घूमने के लिए मायने विलास में, मुझे सामान लेना था क्योंकि वहाँ दुकान खुली हुई है ना। तो किसी के भी हैं तो मुझे ज़रूर बताना, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये बात शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी माताजी और एक्टर बूढ़ी बैठी हुई हैं। तो एक्टर बूढ़ी ने परसों मेरी माँ को मारा था, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इन लोगों की ना नोक झोंक होती रहती है। तो दोनों दोस्त हैं ना, मित्र, कमज़ोर मित्र, मोटा मित्र। अभी झमाझम बरखा होने के बाद मैं हूँ अपने पीछे वाले खेतों में, यानी कि जहाँ से मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ देखिए आप लोग, पूरा कोहरा लग चुका है चारों तरफ, टाइम पे बारिश आना भी शुरू हो गया है। तो यहाँ पीछे देख सकते हो आप लोग, तो मैं लगा था सुबह से काम पे, तो मेरे साथ भाई भाभी लोग और माँ भी थी। तो हमने हेलो दोस्तों, क्या हालचाल हैं, कहाँ कहाँ हूँ आजकल और क्या क्या हो रहा है। तो हमारे पहाड़ों में तो दोस्तों लगातार बारिशें हो रही हैं और मौसम कुछ इस प्रकार से है जैसे आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, आपसे दोस्तों का मेरी इस प्यारी सी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से और मेरे घर के नीचे से, तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत हो रही है, वो हो रही है घर के नीचे से। तभी मैं अभी के टाइम पर मैं आया था गायें खाने के लिए। अब मौसम देखिए आज कितना अच्छा हो रखा है, तो उधर की तरफ पूरी धुंध लग चुकी है। तो कल रात पूरी बारिश हो रही थी, बारिश होने के बाद देखिए आप लोग कुछ इस प्रकार से मौसम हो जाता है गढ़वाल का। तभी के टाइम पे दोस्तों भाभी भी लगी है गाय खोल के, तो इनकी एक ही गाय है, तो एक ही गाय को खाने के लिए जाना पड़ रहा है। दोस्तों ताई ने भी खोल लिया है अपनी गाय, कह जाना गाँव तुम्हें जाना। टाइम पे मैं आया था गायों को हकाने के लिए, पर गायों को लेके जा रहा है नम्मू, क्योंकि ना मेरी गायें भी नम्मू लेके जा रहा है, क्योंकि अपनी गायें हकाने जा रहा है ठीक चांद, तो मेरी गाय के लेके भी जाएगा। तो वहाँ पर अभी जा चुका है सूरज, और सूरज के ठीक पीछे जा रहे हैं चाचा, तो गायों को छोड़ने के लिए जंगल में। दोस्तों ये हैं धान की खेत, और धान की खेतों में आप लोगों को जख्या देखने को मिलेगा। ज़्यादातर इस खेत में, इन दो तीन खेतों में इतना ज़्यादा जख्या हो रखा है, देखिए आप लोग जखे की पौधा जम गई है, तो पूरे खेत में जखे जखा हो रखा है, और जो धान है वो दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे उस खेत में भी है, और वैसे इस ऊपर वाले खेत में भी है, तो कुछ इस प्रकार से जखिया ही जखिया हो रखा है। दोस्तों हम काम कर रहे हैं अपने घर में, तो हमने सोचा यहाँ पर एक गौशाला बनाई, क्योंकि हमारी गौशाला नहीं है ना। मैं मेरे भाई गौशाला भी स्टैंड रहे हैं, झाड़ू मार के सीधे बाहर दे गोबर, तो गौशाला बनाने का प्लान है। इतना मजबूत लग गया यहां, झाड़ू मार के सीधे यहां पौड़ लग गया है, इसे काटने में बहुत दिक्कत आ रही है हमें, तो हाथे पड़ गए हैं छाले। और यहाँ देखो हालत ऐसी हो रखी है, अभी जब मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया काम के चक्कर में। भाभी ये हमारी लेबर है, बाकी इनको पूछो आप लोग, बोल जाते जरा बोलो तो बोलो, मैं आना चाहूँ बड़ा आज मैं सुनते को ध्याड़ी कर रहा है गणेश के साथ ऐसे बोले गणेश के साथ ध्याड़ी कर रहा है। भगा बोल जाए नौकरी दिखा रहा हूँ गौरव बोला बिल भगा रहे। और
टाइम पे बारिश आना भी शुरू हो गया है, तो यहाँ पीछे देख सकते हो आप लोग। तो मैं लगा था सुबह से काम पे, तो मेरे साथ भाई भाभी लोग और माँ भी थी, तो हमने आज इतना सारा काम कर लिया है। और इधर देखिए आप लोग ठीक मेरे पीछे, तो यहाँ ना बारिश भी लग गई है, इतना काम कर लिया हमने। पर यहाँ ना जो पौड़ होते हैं ना, हम बोलते हैं कि पत्थर लगे हैं, तो इतने मजबूत मजबूत पत्थर लगे हुए हैं यहाँ, जिसको निकालने में ना दोस्तों बहुत ज़्यादा आफत आ रही है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक तो हमने निकाल लिया है, अब इसके आगे कैसे निकलेगा बहुत ही मुसीबत आ गई है। नहीं तो आज हम इसको पूरा खाली कर लेते अगर यहाँ मिट्टी मिट्टी होती तो। तो यहाँ पत्थर लगे हुए हैं, बाकी यहाँ से देखिए दोस्तों ठीक ऊपर वहाँ वहाँ लग गया है कुएड़ा, और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। तो इसमें देखिए दोस्तों हमने कुछ इस प्रकार से जो ककड़ी का लगुला है उसको इस प्रकार से इसमें बांधा हुआ है, और यहाँ से इसको हम वहाँ शिफ्ट करेंगे ठीक उस पर, तो इस प्रकार से ये लग जाएगा। यहाँ पर मेरी माता जी और एक्टर बूढ़ी बैठी हुई हैं, तो एक्टर बूढ़ी ने परसों मेरी माँ को मारा था, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इन लोगों की ना नोक झोंक होती रहती है, तो दोनों दोस्त हैं ना, मित्र, कमज़ोर मित्र मोटा मित्र हैं। पहले कन कन स्वास्थ्य पानी, स्वास्थ्य पानी तो नहीं इसको जाड़ो छावा कुछ के बोल मिला कुछ नहीं बोल रहे नहीं बोल रहे कुछ ना मेरा थोड़ा चार। तो अभी ना मैं घूमते घूमते सड़क से ना ठीक वहाँ मायने विलास की तरफ जा रहा था, दुकान में मुझे कुछ सामान लेना था। तो दोस्तों मुझे यहाँ नीचे रास्ते में ना कुछ पैसे मिले गिरे हुए, जिन्हें मैंने उठा लिया है। जिस किसी के भी होंगे तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताना, मैं उनके पैसे उन्हें वापस लौटा दूँगा। तो अभी मैं ना घूमते घूमते जा रहा था और पैसे गिरे हुए मिले, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनको अपने पास रख लूँ। और जिस किसी के भी हैं मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक बात शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना या व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम में मैसेज करना है, मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। छूटे हुए थे मतलब गिरे हुए थे दोस्तों, यहाँ पर गिरे हुए थे, तो मैं यहाँ से जा रहा था ठीक उधर की साइड यानी घूमने के लिए मायने विलास में, मुझे सामान लेना था क्योंकि वहाँ दुकान खुली हुई है ना। तो किसी के भी हैं तो मुझे ज़रूर बताना, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये बात शेयर कर रहा हूँ। तो चलता हूँ दोस्तों, और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताना, और कितने रुपए हैं ये ज़रूर बताना, मैं आप लोगों तक ज़रूर बता दूंगा कि सही में आपके छूटे हैं कि नहीं छूटे हैं, उससे पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं ना कि मेरे छूटे हैं मेरे छूटे हैं, तो मैं इसलिए बता नहीं रहा हूँ कितने रुपये छूटे हुए हैं। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक बता रहा हूँ कि कुछ पैसे मुझे मिले हैं, और आप लोग ईमानदारी से बता देना, मैं आपके पैसे आपको वापस लौटा दूंगा। पर मैं बता नहीं रहा हूँ कितने रुपए हैं, पर हैं मेरे पास। जिस किसी के भी हैं उसे पता होगा कि उनके कितने रुपए छूटे हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, मैं आपके पैसे आपको वापस दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मायने विलास में सामान लेने के लिए, कुछ सामान भी लेना है।